हेलो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइलम टीनोफोरा। तो इससे पहले हम दो फाइलम स्टडी कर चुके हैं जी, फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम टीनोफोरा यानी थर्ड फाइलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में आपको ये जो नजर आ रहा है, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये एक एनिमल है जो कि इस फाइलम टीनोफोरा का एक मेंबर है, उसकी एक स्पीशी है। और इसके अंदर आपको ये जो कलर नजर आ रहे हैं, ये कलर्स बुनियादी तौर पर लाइट है जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, आपने काम करना है, आपने बायोल्यूमिनेसेंस इन टीनोफोर्स के हवाले से एक एनिमेशन सर्च करनी है यूट्यूब से या किसी और सोर्स से। जब आप उस एनिमेशन को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने खूबसूरत अंदाज से, पैटर्न से ये लाइट प्रोड्यूस करें अपने बॉडी के अंदर। ये इनका एक यूनिक फीचर है, लाइट प्रोड्यूस करना। तो मेरे पास चूंकि वो एनिमेशन नहीं थी, इसलिए मैं ऐड नहीं कर सका। आप वो सर्च कर लीजिएगा और जरूर देखिएगा उसको, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने घरों में होने वाले इवेंट्स लाइक बर्थडे या फिर शादी है, तो घरों में जब लाइटनिंग करवाते हैं तो वो लाइटनिंग डिफरेंट कलर्स की होती है। जब वो जलती हैं, बुझती हैं, तो बड़ा खूबसूरत पैटर्न नजर आता है हमें, बड़ा खूबसूरत सा फिनोमिना पैदा होता है। सेम इसी तरह इनकी बॉडी में भी लाइट प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है, देखें डिफरेंट कलर्स हैं, तो डिफरेंट रंगों की, डिफरेंट कलर्स की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो वो लाइट जलती है, बुझती है, ऐसे लगता है जैसे खुद इनके अंदर हमने लाइट लगा दी हो। इतना खूबसूरत जो है वो पैटर्न इसके अंदर जो है वो पैदा होता है लाइट का। तो आप वो एनिमेशन जरूर देखिएगा। अच्छा, अब ये जो एनिमल्स हैं, इंटरेस्टिंगली ये एनिमल जो है समंदर की गहराई में मौजूद होते हैं, बहुत गहरे समंदर में हमें मिलते हैं ये। और वहां जहां पर ऑलमोस्ट अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, बहुत ज्यादा अजीब सा एनवायरनमेंट होता है, वहां पर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको मजीद, इनकी हिस्ट्री के हवाले से। सबसे पहले इन एनिमल्स को, इन ऑर्गेनिजम्स को फाइलम सेलेंट्रेटा में रखा गया था, लेकिन बाद में जब इनको केयरफुली स्टडी किया गया, कुछ साइंटिस्ट आए, इन्होंने इनको केयरफुली स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो देखा कि ये सिलेंट्रेटा से थोड़े डिफरेंट हैं, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेट। तो एक साइंटिस्ट थे एस्कॉल्ट्स, एस्कॉल्ट्स जो हैं आए, इन्होंने इन एनिमल्स को स्टडी किया एंड ही कम्स टू नो दैट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिलेंट्रेट। लिहाजा इस तरह इन्होंने सबसे पहले रिकग्नाइज किया एज ए डिस्टिंक्ट ग्रुप, इनको इनको एज ए डिस्टिंक्ट ग्रुप सबसे पहले रिकग्नाइज किया गया एस्कॉर्ट्स के थ्रू। तो इन्होंने इनको स्टडी किया, बाद में हेडशेक जो है वो आए, इन्होंने मजीद इसको स्टडी किया और कई करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर इनको एक सेपरेट फाइलम में रख दिया, जिसको टीनोफोरा बोला गया। तो इनकी केयरफुली स्टडी जब की गई तो बाद में पता चला कि ये सिलेंट्रेट से बहुत डिफरेंट हैं, इनका कई हवाले से इनसे मुख्तलिफ हैं, इनको अलहदा फाइलम में रखना चाहिए। तो इनका अलहदा फाइलम बना दिया गया टीनोफोरा। अब क्या वजूहत थी, क्या वजह थी, क्या रीजन थी इनको फाइलम सिलेंट्रेट से अलहदा किया गया, कौन कौन से फीचर्स थे? सबसे पहला तो देखें निमेटोसिस्ट की एबसेंस, दे डोंट हैव निमेटोसिस्ट। व्हाट आर निमेटोसिस्ट? फाइलम सिलेंट्रेटा का लेक्चर देख लीजिएगा। निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स के टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं। सिलेंट्रेट्स यानी कि हाइड्रा या जेलीफिश, इनमें टेंटिकल्स होते हैं। इन टेंटिकल्स के ऊपर खास किस्म के स्टिंगिंग सेल्स लगे होते हैं, जिनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। अब जब ये एनिमल्स, हाइड्रा या जेलीफिश, किसी भी प्रे के ऊपर, कोई फिश है या कोई इन्वर्टिब्रेट है जिसको वो खाते हैं, जिसके ऊपर वो फीड करते हैं, जब अपने टेंटिकल्स गिराते हैं, तो ये स्टिंगिंग सेल्स या नेमेटोसिस्ट उस एनिमल को पैरालाइज्ड कर देते हैं और बाद में वो उनको खा जाते हैं। सो इस तरह का कोई भी सेल, इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर फाइलम टीनोफोरा में मौजूद नहीं है, दे आर एब्सेंट इन फाइलम टीनोफोरा। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, दे डोंट हैव ब्लाइंड सैक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिलेंट्रेट की तरह ब्लाइंड नहीं है। अब ये ब्लाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मैं आपको यहां से समझा देता हूं। देखें देखें ये लेट्स सपोज के एक डाइजेस्टिव सिस्टम है सिलेंट्रेट का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग है, इसकी माउथ है। अब यहीं से ये फूड आ रही है इसकी बॉडी के अंदर और यहीं पर ये डाइजेस्ट होगी, ठीक है, और यहीं से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर जाएंगे। और
इस डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई नेक्स्ट ओपनिंग नहीं है, आगे से ब्लाइंड है, बंद है ये, ठीक है, एक ही ओपनिंग है, यहीं से खाना जा रहा है, यहीं से वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है। तो इनमें टीनोफोर्स में इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बल्कि इनमें ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक हो गया इसका माउथ और दूसरी हो गई इसकी एनस, ठीक है जी, ये माउथ है और ये एनल ओपनिंग है। तो इस तरह ये दो खसूसियात यानी नेमेटोसिस्ट की एब्सेंस और डाइजेस्टिव सैक ब्लाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम की एब्सेंस जो है इनको डिफरेंट करती है, मुख्तलिफ बनाती है सिलेंट्रेट से। तो इन इन वजूहात की बुनियाद पर जो है इनको अलहदा फाइलम में यानी टीनोफोरा में रख दिया गया। मजीद बात करते हैं इनकी सिमेट्री के हवाले से, देशो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है कि इनकी बॉडी को आप किसी प्लेन से भी डिवाइड करें वो दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगी। ये भी लेक्चर मैंने इसी पेज पे अपलोड किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा उसको। तो दे शो रेडियल सिमेट्री, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। फिर ग्रेट पावर टू बियर प्रेशर, किसका प्रेशर, वाटर का। मैंने आपको बताया था कि ये समंदर में बहुत गहराई में मौजूद होते हैं, आप अगर गहराई का अंदाजा लगा लें कि सरफेसेस समंदर की सरफेस से ये 3000 मीटर नीचे होते हैं, समंदर की सरफेस से 3000 मीटर आप अंदाजा कर लें, इतनी गहराई में ये मौजूद होते हैं, इतनी गहराई में ये पाए जाते हैं और इतनी ज्यादा वहां पर डार्कनेस होती है और इतनी गहराई में पानी का प्रेशर कितना होगा, यू कांट इमेजिन। अब इतने प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत इन एनिमल्स में देखने को मिली है। इसके अलावा इनकी अभी तक जो है साइंटिस्ट ने 150 स्पीशीज को डिस्कवर कर लिया है, दे हैव 150 स्पीशीज, अभी भी इसके ऊपर सर्च जारी है, साइंटिस्ट के ऊपर सर्च कर रहे हैं, स्पीशीज को ढूंढा जा रहा है तेजी से। सो कम्स टू द पॉइंट, Why they are known as Tinophora? इनको Tinophora क्यों कहते हैं? चले सबसे पहले पिक्चर की तरफ आते हैं। अब आप जरा देखें कि ये पिक्चर एक Tinophora एनिमल की है, इसका कोई मेंबर है। इसकी बॉडी के ऊपर आपको ये जो जिसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जो है जिसके ऊपर मैं रेड कर रहा हूँ, देखें इसको ध्यान से केयरफुली देखें, ठीक है, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, थ्री एंड फोर। आप इसकी बॉडी के ऊपर ये फोर स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैंने ड्रॉ किया है, जिसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, इन स्ट्रक्चर्स को टीन्स बोला जाता है, दिस इज नोन एज टीन। टीन मीन कॉम्ब, कंगी जो हम बालों में करते हैं, ठीक है जी, कॉम्ब। अब इनके ऊपर कॉम्ब की तरह की स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ठीक है, तो चूंकि ये कॉम्ब की स्ट्रक्चर, कॉम्ब की तरह के स्ट्रक्चर्स को बियर करते हैं, रखते हैं, उनको पोजेस करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज टीनोफोर। ये देखिए, टीन मीन कॉम्ब, फोरा मीन टू बियर, यानी कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को बियर करना, रखना, ठीक है। और ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है तादाद में टोटल 8 होती हैं, लेकिन यहां पर ये 4 हैं जी। ये पिक्चर जो है ये वन डायमेंशनल है, आप इसकी पिक्चर को जरा दूसरी 3D देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 4 इधर और 4 दूसरी तरफ है। तो टोटल ये कॉम्ब्स जो हैं इनकी बॉडी के ऊपर 8 होती हैं, कॉम्ब्लाइक स्ट्रक्चर कितनी होती है, 8। और मजीद जो है इनकी कॉम्ब के अंदर जो है छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जी, सीलिया वो होते हैं इसके बीच में, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। इनको कॉमनली हम जो है वो सी वॉलनट भी कहते हैं। अच्छा, आप इनकी स्ट्रक्चर को केयरफुली देखेंगे तो वो जिस तरह अखरोट होता है ना, अखरोट वॉलनट, ये उसकी तरह के, जिस तरह अखरोट के ऊपर पैटर्न नजर आता है ना आपको, वो लाइनें नजर आती हैं, इसी तरह इनकी बॉडी के ऊपर वो पैटर्न देखने को मिलता है, इसलिए इनको सी वॉलनट भी बोलते हैं। इनको कॉम्ब जेलिस भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जेल भरा होता है। इनको गूसबेरीज भी कहते हैं, ये सारे इनके कॉमन नेम्स हैं। और इंटरेस्टिंगली दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। अब पिछले दो फाइलम जो हमने देखे हैं, सिलेंट्रेट या फिर फाइलम पॉलीफिरा, तो हमने देखा कि उनके कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, दे हैव सम मेंबर्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, लेकिन इनके जो मेंबर्स हैं ये एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो समंदर के पानी में ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलते। अब इस पिक्चर को जरा अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है, कि पहले भी बात हुई इनमें माउथ है, एनल पोर है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक नहीं है, ब्लाइंड नहीं है, बल्कि इसकी दो ओपनिंग है, ये इसका माउथ है, ये इसकी एनल पोर है, ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी गट है, और ये है जी इसके टेंटिकल्स, देखिए टेंटिकल्स हैं इसके ऊपर। आगे चल के मैं बात करूंगा इनके टेंटिकल्स के हवाले से, और ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है,
ये मजीद क्लियर डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ये किस तरह की होती है। दिस इज एनल बोर्ड, दिस इज माउथ, और इसकी बॉडी के ऊपर ये रहे जी टीन्स, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके बीच में छोटे छोटे सीलिया मौजूद हैं, और ये है जिनके टेंटिकल्स। ओके, दे आर सॉलिटरी एंड प्लेजिंग। व्हाट डज, इसका क्या मतलब है? सॉलिटरी मीन अकेले रहते हैं, नॉन कॉलोनियल एनिमल्स हैं, दीज आर नॉन कॉलोनियल एनिमल्स, सॉलिटरी हैं, प्लेजिक हैं, यानी समंदर की गहराई में ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ज्यादा ना तैर रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, यानी समंदर में जब ये होंगे, समंदर की गहराई में होंगे, तो ये आपको कलर्ड लाइट्स की तरह के नजर आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको समंदर से बाहर निकालेंगे तो ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएंगे, जस्ट लाइक ए ग्लास जिसके आर पार देखा जा सके, इतने ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर एसिलोमेट है, यानी इनकी बॉडी में कैविटी नहीं होती, एसिलोमेट है, इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया है, फर्स्ट टू लेक्चर्स जूलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से है, इसी पेज पे वो भी देख लीजिएगा। दे आर अनसेगमेंटेड, यानी इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है, अनसेगमेंटेड है। मेसोग्लिया कंटेन सेल्स, व्हाट इज मेसोग्लिया? मेसोग्लिया के ऊपर भी फाइलम सिलेंट्रेटा के ऊपर बात हो चुकी है, तफसील से मैंने बताया, वो उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। मेसोग्लिया बुनियादी तौर पर सेल्स की दो लेयर्स, जैसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मौजूद एक जेल लाइक मटीरियल होता है, इसको मेसोग्लिया कहते हैं, इसके बीच में जो है सेल्स मौजूद होते हैं। नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसिस्ट इनके अंदर एब्सेंट है, बात हो चुकी है। और हमारा जो सबसे काम का पॉइंट है वो है जी बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि लाइट को प्रोड्यूस करना। इनकी बॉडी में कुदरती तौर पर लाइट प्रोड्यूस होती है और बहुत खूबसूरत पैटर्न से प्रोड्यूस होती है, एनिमेशन देख लीजिएगा उसकी जरूर, ठीक है। और ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है इनका एक वेल मार्क्ड करेक्टर है टीनोफोर्स का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम के हवाले से। इनका जो नर्वस सिस्टम है नर्व नेट की फॉर्म में मौजूद होता है, एक नेट सा बना होता है इनकी पूरी बॉडी के ऊपर नर्व्स का, और इनके अंदर बकायदा तौर पर सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और ये सेंस ऑर्गन्स को स्टेटोसिस्ट कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेटोसिस्ट? स्टेटोसिस्ट हेल्प दीज एनिमल्स टू रिमेन इन बैलेंस, अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए, इक्विलिब्रियम रखने के लिए ये काम करते हैं। देखें, ये एनिमल जब समंदर की गहराई में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो अपनी बॉडी को इन्होंने इक्विलिब्रियम में रखना होता है हरकत के दौरान, जब अपनी बॉडी को हरकत इक्विलिब्रियम में रखते हैं, जैसे जब हम भाग रहे होते हैं तो हमने अपने आप को बैलेंस में रखना होता है, जब चल रहे होते हैं अपने आप को बैलेंस में रखना होता है, इसी तरह ये एनिमल भी जब समंदर की गहराई में हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, तो इनको बैलेंस की जरूरत पड़ती है, इन्होंने अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना होता है, तो वो काम करता है जी स्टेटोसिस्ट, दे हैव स्टेटोसिस्ट। फिर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अभी सामने आया हमारे, कि सीलिया जो है ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर फाउंड इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम, और वहां ये सीलिया क्या काम करते हैं, लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं। तो सीलिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं, लेकिन सीलिया बड़े एनिमल्स में तो लोकोमोशन नहीं करवा सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। बड़े एनिमल्स जिन्होंने हरकत करनी होती है उनको तो पावरफुल अपेंडेजेस चाहिए, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर चाहिए जिनकी मदद से वो अपनी ह्यूज बॉडी को हरकत दे सकें, तो सीलिया तो कोई इसमें रोल प्ले नहीं करेंगे। लेकिन ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बड़े साइज के तो जरूर हैं लेकिन हरकत ये सीलिया की मदद से करते हैं, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो ये बड़े साइज के होने के बावजूद सीलिया की मदद से हरकत करते हैं, तो ये भी इन एनिमल्स का एक बहुत यूनिक फीचर है। फिर हर्माफ्रोडाइट हैं ये, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एक ही एनिमल के अंदर मौजूद होते हैं, सेपरेट सेक्स इनमें देखने को नहीं मिलते, मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते बल्कि एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं। और ये रेड कलर में मैंने पॉइंट लिखा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, कि इनमें रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स के थ्रू होती है, दे डोंट हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक सिलेंट्रेट्स एंड पॉरीफेरा। पॉरीफेरा या सिलेंट्रेट्स की तरह इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती, इनमें ऑब्जर्व नहीं की गई, इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या मुराद है, कि लार्वा मौजूद होता है इनके लाइफ साइकिल में, कहीं ना कहीं लार्वा मौजूद है और वो लार्वा लेटर ऑन जो है वो डिफरेंट फॉर्म से होते हुए एडल्ट में कन्वर्ट होगा।
इनके लार्वा को हम सीडीपिट लार्वा कहते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप ये फाइलम पढ़ रहे होते हैं, अभी तक हमने दो फाइलम पढ़ लिए हैं पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, तो उनमें देख लीजिएगा कि उनके लार्वा को क्या कहते हैं, पॉरीफेरा के लार्वा को क्या बोला जाता है और सिलेंट्रेटा के लार्वा को क्या बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपने नोट करनी होती हैं। यहाँ पर इनके लार्वा को सिडिपिड लार्वा बोला जाता है। तो ये लार्वा समटाइम जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा सिडिपिड लार्वा क्या होता है और ये किन एनिमल्स का लार्वा है। सो नेक्स्ट, स्पेशल अडहेसिव सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट इंस्टेड ऑफ नेमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन ऑल टीनोफोर्स। चले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, इनमें नेमेटोसिस्ट नहीं है, दे डोंट हैव नेमेटोसिस्ट। देखें अभी पिक्चर की तरफ आते हैं, जरा ये देखें, ये है जिनका टेंटिकल्स, ठीक है, ये इनका टेंटिकल है। इनके टेंटिकल में नेमेटोसिस्ट नहीं है जैसा कि सिलेंट्रेट में थे। इनके टेंटिकल्स में बकायदा तौर पर कोलोब्लास्ट सेल मौजूद होते हैं, इनके टेंटिकल्स में कोलोब्लास्ट सेल मौजूद है, आगे भी पिक्चर है, ठीक है। अब ये कोलोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, कोलोब्लास्ट सेल जो है ये जब ये टेंटिकल्स किसी प्रे के ऊपर, किसी फिश या किसी भी इन्वर्टिब्रेट के ऊपर जिसको ये खाते हैं गिराते हैं, तो इनके टेंटिकल्स में मौजूद ये कोलोब्लास्ट सेल जो है ये काम ये करते हैं कि उस शिकार को अपने साथ चिपका लेते हैं, वो शिकार इनके टेंटिकल्स के साथ चिपक जाता है, ठीक है जी। जबकि निमेटोसिस्ट क्या करते थे कि वो उस शिकार को स्टिंग करते थे, डंक मारते थे, जिससे वो जो जो भी एनिमल था वो पैरालाइज्ड हो जाता था। ये ऐसा काम नहीं करते, कोलोब्लास्ट स्टिंग नहीं करते, बल्कि ये उसको शिकार को अपने साथ चिपका लेते हैं। सो ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके, ठीक है। अब इनके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। मैंने बताया ना क्यों वेल डेवलप है, क्योंकि इनके अंदर दो ओपनिंग्स हैं, माउथ लैदा है, एनस लैदा है। सिलेंट्रेट्स में क्या था कि ब्लाइंड सैक डाइजेस्टिव सिस्टम था, यानी कि एक ही ओपनिंग थी, माउथ था, उसी के जरिए से खुराक इनकी बॉडी में जा रही है, उसी के जरिए से खुराक इनकी बॉडी से बाहर निकल रही है। टू एनल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि इनके अंदर एनल ओपनिंग कितनी होती है, दो होती है। स्केलेटल सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन डेफ्यून के थ्रू होती है, बिकॉज दे हैव वेरी सिंपल बॉडी। इनके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम्स या ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते जो कि एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन करवा सकें, क्योंकि ये शुरुआती एनिमल्स हैं, तो इनके अंदर ऐसा कुछ भी अभी डिवेलप नहीं हुआ, अभी ये डिवेलप हो रहे हैं, तो इसलिए अभी इतने एडवांस नहीं है, तो इनको ये एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन के लिए डिफ्यून से काम चलाना पड़ता है। नेक्स्ट, ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा कि समंदर की गहराई में आपको, आप एनिमेशन में भी देखिएगा कि ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बड़ी खूबसूरत लाइटें ये निकाल रहे होते हैं अपनी बॉडी से। तो इस फिनोमिना को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, देखिए इनकी बॉडी में कुछ खास किस्म के सेल्स हैं जिनको हम फोटोसाइट्स कहते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स इन देयर बॉडी विच आर नोन एज फोटोसाइट्स। इन फोटोसाइट्स के अंदर खास किस्म की प्रोटीन होती है जिनको फोटो प्रोटीन्स कहते हैं। ये फोटो प्रोटीन्स कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जब इन प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ये प्रोटीन्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और वो एनर्जी जब रिलीज होती है वो लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। याद रखें कि कैसे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कि इनके अंदर प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है, वो प्रोटीन जब ऑक्सीडाइज होती है उसी ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी बुनियादी तौर पर लाइट की फॉर्म में हमें नजर आती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इसके हवाले से। इन द जीनोम अराउंड 10 जीन्स इनकोड फोटो प्रोटीन्स। तो ये फोटोसाइट्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं जी, फोटो प्रोटीन्स जो कि बायोल्यूमिनेसेंस कॉज करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करवाती हैं, कुल मिला के 10 जीन्स इनके डीएनए के अंदर ऐसे हैं जो ये प्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं कि ये ऑक्सीडाइज होकर लाइट प्रोड्यूस करवाती हैं। एनीवे, ये जो जीन्स हैं 10 जीन्स हैं ये को एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, विद ऑप्शन जीन, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्शन जीन्स इन द डेवलपिंग फोटोसाइट्स राइजिंग द पॉसिबिलिटी दैट लाइट प्रोडक्शन एंड लाइट डिटेक्शंस मे बी वर्किंग टुगेदर इन एनिमल्स। यानी कि जैसे ही लाइट की प्रोडक्शन और लाइट की डिटेक्शन दोनों एक ही वक्त में हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले भी हमने डिस्कस किया है, फिर से देख लेते हैं इसको। दे आर लार्जेस्ट एनिमल्स दैट स्विम बाय मीन्स ऑफ सीलिया।
अब इनका साइज कहां तक होता है, चंद मिलीमीटर से लेकर ये 1.5 मीटर तक हो सकते हैं साइज में। अडल्ट टीनोफोर्स रेंज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू 1.5 मीटर इन साइज। तो ये लार्जेस्ट एनिमल्स हैं जो कि सीलिया की मदद से हरकत करते हैं। इसके अलावा आपने जितने भी लार्जेस्ट एनिमल देखे हैं वो सीलिया की मदद से हरकत नहीं करते। चलें, अब हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं, अडहेसिव सेल्स होते हैं। तो ये देख लें कि ये वो एनिमल है, तो ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स हैं इसके, और इन टेंटिकल्स के बीच में आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये सेल का न्यूक्लियस है और इनके ऊपर ये अडहेसिव ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। दीज आर अडहेसिव ग्रेन्यूल्स। होता यह है कि जब भी कोई एनिमल इसके पास आता है, इसकी अप्रोच में आता है, तो ये टेंटिकल उसके ऊपर गिराता है और वो एनिमल इनके टेंटिकल के साथ चिपक जाता है, अडहर हो जाता है ड्यू टू दीज अडहेसिव ग्रेन्यूल्स। इनकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी तरफ देखा जाए तो ये देखें, ये इनकी बॉडी है, तो ये कॉम्ब्स आपको कॉम्प्लीट नजर आ रही है जिनके बीच में छोटे छोटे सीलिया मौजूद है। इनकी बॉडी जो है ये जेल से भरी हुई होती है। ठीक है, इनकी बॉडी सारी की सारी जेल से भरी हुई होती है। और देखें ना, इनकी बॉडी जो है वो टू लेयर्स जेली विद वन सिंगल लेयर टू सेल थिक। ठीक है, एक ही लेयर होती है। ठीक है, और वो लेयर जो एक ही लेयर है वो दो सेल थिक होती है, टू सेल थिकनेस होती है उसकी, ऑन द आउटसाइड एंड अनदर लाइनिंग इन द इंटरनल कैविटी। ऑलमोस्ट ऑल टीनोफोर्स आर प्रीडेटर्स टेकिंग प्रे रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लार्वा एंड टू द एडल्ट्स ऑफ स्मॉल क्रस्टेशियन। अब हम देखिए, जितने भी टीनोफोर्स हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे टीनोफोर्स प्रीडेटर हैं, शिकारी होते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं, ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसको खा जाते हैं। और इनका शिकार क्या हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक लार्वा से लेकर एडल्ट, ठीक है, ऑफ स्मॉल क्रस्टेशन, छोटे छोटे स्मॉल क्रस्टेशन जो है, छोटे छोटे कीड़े जो है समंदर में पाए जाने वाले, उनको खाते हैं। स्पंजिस की तरह या नाइडेरिया की तरह टीनोफोर्स जो है, ठीक है, Like sponges and cnidarians, tinophores have two main layers of cells that sandwiched a middle layer of jelly-like material, which is called mesoglia in cnidarians and tinophores. देखें, पिछले दो लेक्चर फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सेलेंट्रेटा को आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने ये सारी बातें तफसील से समझाई हैं कि एक्टोडर्म क्या होती है और एंडोडर्म क्या होती है। मैं यहाँ फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ये लेट्स सपोज इसकी बॉडी है टीनोफोर की, ये हो गए इसके टेंटिकल्स। ठीक है, ये को टीनोफोर है, ये हो गया इसके टेंटिकल्स। अब जब इसकी बॉडी को आप थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन देखेंगे इसका, जूम इन करके, तो दो लेयर्स हैं, एक ये हो गई बाहर वाली सेल की लेयर और एक हो गई सेल के बॉडी की अंदर वाली लेयर। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म और ये अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। इसके बीच में ये जो मटेरियल है, ये है जेल लाइक मटेरियल जिसको मेसोग्लिया कहते हैं। इनके अंदर बकायदा सेल्स भी देखने को मिलते हैं हमें। दिस इज मेसोग्लिया, दो सेल्स की लेयर के बीच में ये जेली लाइक मटेरियल है जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं, बिल्कुल स्पंजेस और नाइडेरियंस की तरह। ओके, टीनोफोर्स को हम डेड एंड्स भी रिकॉर्ड करते हैं मैरीन फूड चेन्स का। मैरीन समंदरों के अंदर जो फूड चेन्स बनी हुई हैं, आपको पता है ना फूड चेन्स क्या है, कि सबसे पहले जो एनिमल्स हैं वो वेजिटेशन के ऊपर फीड करते हैं या फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करते हैं। आप उसके ऊपर कोई और एनिमल फीड करता है, उसके ऊपर कोई और एनिमल फीड करता है, और सबसे एंड पे भी कोई एनिमल होता है। ठीक है, तो ये फूड चेन को देख लीजिएगा, तो ये फूड चेन का डेड एंड्स बनाते हैं। ठीक है, चले मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये कोई ग्रास है। ठीक है, कोई ग्रास है, इसको कोई, ठीक है जी, इंसेक्ट खाएगा, कोई इंसेक्ट है, ये कोई इंसेक्ट है, इसके ऊपर फीड करेगा। ठीक है, इंसेक्ट को कोई और एनिमल फीड करेगा, सॉरी, ये इंसेक्ट को कोई और एनिमल फीड करेगा। देखें, ये कोई और एनिमल है, वो इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रहे हैं, और इस एनिमल के ऊपर, ठीक है, कोई और एनिमल फीड करेगा, ये, अब ये कोई और एनिमल है जिसके ऊपर फीड कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये फूड चेन है। तो अब ये जो है, ये डेड एंड्स बनाते हैं फूड चेन का। क्या, फॉर एग्जाम्पल, ये फूड चेन के एंड पे आ रहे हैं, मरीन फूड चेन्स के एंड पे ये मौजूद हैं। इनको कोई भी खाना पसंद नहीं करता। मतलब मिसाल के तौर पर ये जो एनिमल है, ठीक है, ये इसको खा रहा है, ठीक है, ये इसको खा रहा है, लेकिन इसको कोई भी नहीं खा रहा, ये भी नहीं इसको खा रहा, ये भी नहीं इसको खा रहा, इसको कोई भी नहीं खा रहा। ठीक है, इसकी वजह क्या है,
इसकी वजह यह है कि इनके अंदर जो है वो साल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स की जो रेशियो है वो बहुत कम होती है। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जेल से भरे होते हैं, पानी होता है सिर्फ इनके अंदर और जेल होता है, कोई इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इसलिए इनको कोई भी एनिमल खाना पसंद नहीं करता। ठीक है, इनकी इनको सारे डिसलाइक करते हैं बिकॉज इनके अंदर जो है वो लोअर रेशियो है ऑर्गेनिक मैटर की, तो साल्ट यानी साल्ट टू ऑर्गेनिक मैटर की रेशियो जो है वो कम है। ठीक है, तो ये दूसरे एनिमल जब इसको खाएंगे उनको कोई फायदा नहीं होगा, खास फायदा नहीं होगा, इसलिए ये फूड चेन्स का डेड एंड्स है। ठीक, टीनोफोर्स की जो क्लासिफिकेशन है वो इनके टेंटिकल्स की प्रेजेंस पे की जाती है। इफ दे हैव टेंटिकल्स दे आर नोन एज टेंटिकुलेटा, इफ दे डोंट हैव टेंटिकल्स दे आर नोन एज न्यूडा। ठीक है, तो दो इनके जो है वो क्लासेस हैं टीनोफोरा की, टेंटिकुलेटा और न्यूडा, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स। आप शेप के हवाले से बात करते हैं, इनकी जो शेप है ये ग्लोबुलर भी हो सकते हैं, पायरीफॉर्म भी हो सकते हैं और बेल शेप्ड भी हैं। आप इसको मजीद सर्च कर लीजिएगा, इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, तो एनीवे आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक है। आप इनको मजीद जो है वो जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट फाइलम, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।